और आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करेंगे जैसे मैं इनका रेप कर रहा हूं? इंस्पेक्टर। ओ मैडम जी, रेप हो चुका है इनका, अब बचा क्या है? आप जबान संभाल कर बात कीजिए प्लीज। आप लोगों के इसी रवैये की वजह से ऐसे केसेस में लोग पुलिस और कानून का सहारा लेने में कतराते हैं और जिंदगी भर घुट घुट कर जीते रहते हैं। अब लोग क्या करते हैं इससे मेरे को क्या। चलिए FIR दर्ज हो चुका आपका, अब जाइए इनका मेडिकल चेकअप करेंगे। वो FIR की कॉपी दीजिए हमें। क्यों FIR की कॉपी क्यों चाहिए आपको? अभी तो हमने आप लोगों के सामने लिखा ना FIR। FIR की कॉपी चाहिए हमें, ये हमारा अधिकार है इंस्पेक्टर। ये यहाँ कार क्यों लिखा है आपने? इन्होंने आपसे बयान में कहा ना कि रेड कलर की वैन थी, फिर कार क्यों लिखा है? अरे मैडम जी, हवाई जहाज थोड़ा ही लिखा है, गाड़ी तो लिखी है ना हमने। काइंडली मेंशन द ऑथेंटिक एंड प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यही पेपर कोर्ट में जाएगा। एक लेडी कांस्टेबल भेज रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, ये मेडिकल चेकअप कराने के लिए इनका। वैसे मैडम जी, जब आपको कानून की इतनी मालूमात है तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रेप होने के 5 दिन के अंदर ही मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए। अब ऐसे भले आप लोग इनका मेडिकल चेकअप कराइए, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और ना ही आप लोग को कोई एविडेंस मिलेगा। डॉक्टर प्रोसीजर हो गए जी। आवेशी जी, शी इज ओके नाउ। देखिए, जितने भी जरूरी और पॉसिबल सैंपल्स लेने थे वो सब मैंने ले लिए हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस समय हम लोग जो टेस्ट करेंगे उससे हमें कुछ खास एविडेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इंसिडेंट्स को। इन्होंने बाथ भी ले लिया है और ये कपड़े भी बदल चुकी है, और कोई एविडेंस एज सच नहीं मिला है। इनके घाव भी अब भरना शुरू हो गए हैं। अच्छा होता अगर आप इनको थोड़ा पहले ले आते मेडिकल टेस्ट के लिए। आई नो डॉक्टर, लेकिन दिया की हालत ठीक नहीं थी इसलिए हम। देखिए, लोग नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी रेप केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वक्त पे मेडिकल टेस्ट करना और उसकी रिपोर्ट बना लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना केस कमजोर पड़ जाता है। हाँ डॉक्टर, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई और तरीका तो होगा जिससे हम ये केस और स्ट्रॉन्ग बना सके? डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। देखिए, दोषियों के खिलाफ जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो अब नहीं हो पाएगा, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट एविडेंस है। कोई तो तरीका होगा, कुछ तो कर सकते। एक रास्ता है, अगर इनके वो कपड़े मिल जाए जो इन्होंने इंसिडेंट्स के वक्त पे पहने थे तो शायद हमें कुछ मिल जाए। दिया, तुम्हें पता है वो कपड़े कहाँ हैं? डॉक्टर, हम घर जाकर उन कपड़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर हो सकता है कि इतना वक्त हो गया है तो वो किसी ने कपड़े हटा दिए हो, या फिर कपड़े हमें मिले ही ना, तो क्या कर सकते हैं? तब कल्प्रिट पकड़े भी गए तो ये साबित करना बहुत कठिन होगा कि रेप उन्होंने किया है, और खासकर ऐसे हाल में जब कोई आई विटनेस भी नहीं है। ऐसे में दोषियों को सजा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। It is almost impossible.